हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम जटोर के साथ। तो कल की वीडियो में हमीरपुर का प्रशासनिक ढांचा और वहाँ की हिस्ट्री पढ़ी थी। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे थे उसके बारे में, हमीरपुर के बारे में, तो आज हम वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो बहुत छोटी बनने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेले, हमीरपुर में कौन कौन से मेले लगते हैं। सबसे पहला मेला है गोगा मेला। यह मेला अगस्त और सितंबर महीने में लगता है और यह मेला बिलासपुर में भी लगता है। यह मेला बिलासपुर और हमीरपुर दोनों जगह लगता है गोगा मेला, और कब लगता है? अगस्त और सितंबर को। अगला है हमारा होली त्यौहार। जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें हमने ये होली त्यौहार ब्रज जैसी होली शुरू करवाई थी। किसने करवाई थी? संसार चंद ने। हाँ, इसी वही होली की बात हो रही है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है और यह सुजानपुर टिहरा में लगता है। इस मेले की शुरुआत संसार चंद ने के द्वारा की गई थी। किसने की थी? संसार चंद ने की थी। ठीक है, अगला है दियोट सिद्ध मेला। दियोट सिद्ध मेला, यह मेला हमीरपुर में लगता है और कब लगता है? जून के महीने में लगता है। ठीक है, आगे आता है गसोता मेला। गसोता मेला, यह मेला हमीरपुर में लगता है और किस महीने में लगता है? मई महीने में लगता है। तो देखिए कौन कौन से मेले हैं, गोगा मेला, होली मेला, दियोट मेला और गसोता मेला। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है होली का त्यौहार, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का त्यौहार है या मेला है बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, अगला यह आता है हमारे मंदिर। यहाँ पे जो मेन मंदिर है वो लिए हैं। फर्स्ट है गौरी शंकर मंदिर, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। इस मंदिर का निर्माण राजा संसार चंद ने 1793 में सुजानपुर में किया था। सुजानपुर टिहरा में इस मंदिर का निर्माण किया था, गौरी शंकर मंदिर का। और कब? 1793 ईस्वी में। किसने? राजा संसार चंद ने। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है? हमीरपुर में। हमीरपुर में भी कहाँ स्थित है? सुजानपुर टिहरा में। ठीक है, अगला आता है चामुंडा मंदिर। इसका निर्माण 1761 में राजा घमंड चंद ने किया था, जिसने जो हमीरपुर शहर सुजानपुर टिहरा का वो किया था, स्थापना की थी जिसने, वही है घमंडचंद। इन्होंने क्या किया है, 1761 में चामुंडा देवी मंदिर बनवाया था। ठीक है, नर्वदेश्वर मंदिर। नर्वदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण भी संसार चंद ने करवाया था 1823 ईस्वी में, और यह मंदिर सुजानपुर टिहरा में स्थित था। ठीक है, दो मंदिर सुजानपुर टिहरा में स्थित है, गौरीशंकर मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर, और इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राजा संसार चंद ने। ठीक है, अगला आता है बाबा बालकनाथ मंदिर। ये मंदिर दियोट सिद्ध में स्थित है। कहाँ पे? ये दियोट सिद्ध में ये स्थित है। कौन सा? बाबा बालकनाथ मंदिर। ठीक है, अगली बात करते हैं हम इनके जो हमीरपुर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल में सबसे छोटा ज़िला है। हमीरपुर जो है हिमाचल प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं 12 ज़िलों में से सबसे छोटा ज़िला है। इसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर, और हमीरपुर ज़िला जो जनसंख्या के हिसाब से वो 8वें नंबर पर आता है, और जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो सबसे छोटा सबसे लास्ट आता है, 12वें नंबर पर आता है। ठीक है, हमीरपुर के पक्का भरों में हिमाचल प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड यानी HPSSC कहाँ पे? पक्का भरों में। और पक्का भरों कहाँ पे है? हमीरपुर में। ठीक है, हमीरपुर में ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र है। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? ताल में। ठीक है, जलाड़ी में दुग्ध अति शीतन केंद्र है। कहाँ पर? जलाड़ी में। कौन सा? दुग्ध अति शीतन केंद्र है। ठीक है, हमीरपुर में NIT स्थित है। और अगला है कि हमीरपुर ज़िले का जो वन का क्षेत्रफल है, जितने वन का क्षेत्रफल है वो सबसे कम है, जबकि जो वनांचित होता है, वनांचित जो क्षेत्रफल है वो 11वें नंबर पे आता है। वनांचित जितने वहाँ पे क्षेत्रफल है वो 11वें नंबर पे आता है, और जितने वन है वहाँ पे, और वन का जो क्षेत्रफल है उसमें वो सबसे कम है। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा ज़िला है वैसे भी। अगला आता है हमारा हमीरपुर जिला 2011 और 12 में पपीते के उत्पादन में सबसे प्रथम नंबर पे था। 2011 में यहाँ पे पपीते का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। नेरी कहाँ पे? हमीरपुर में। और यहाँ पे हर्बल गार्डन स्थित है। हर्बल गार्डन कहाँ पे स्थित है? नेरी में। और नेरी कहाँ पे स्थित है? हमीरपुर में। हमीरपुर से कटोज वंश है, कटोज वंश से जुड़ा हुआ है। हमीरपुर में जो राजा महाराजा थे वो कटोज वंश से जुड़े हुए हैं। हमीरपुर भी कटोज वंश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, HPMC नादौन में शीत गृह और वेजिटेबल पैक हाउस स्थापित कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि शीत गृह और वेजिटेबल हाउस HPMC कहाँ पर स्थित कर रहा है या फिर कहाँ पर स्थापित कर रहा है, तो वो है नादौन। नादौन कहाँ पर है? हमारा हमीरपुर में। ठीक है,
तो यही थी आज की वीडियो। हमने क्या क्या पढ़ा, मेले पढ़े, गुगा मेला, होली मेला, दियोट सिद्ध मेला, गसोता मेला, और मंदिर पढ़े, गौरी शंकर मंदिर, चामुंडा मंदिर, नर्वदेश्वर मंदिर, बाबा बालकनाथ मंदिर। और इसकी महत्वपूर्ण बात है कि सबसे छोटा ज़िला है और वन का क्षेत्रफल भी यहाँ पे कम है, और जो वनांचित हैं वो 11वें नंबर पे है। और यहाँ पे 2011 में पपीते का 11-12 में पपीते का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था। यहाँ पे हर्बल जो गार्डन है, और यहाँ पे HPSSC का बोर्ड स्थित है, ठीक है। और ये कटोज वंश से संबंधित है हमीरपुर, और यहाँ पे शीत गृह और वेजिटेबल पैक हाउस बना रही है कौन, HPMC। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।